हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ की साइंस। और साइंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। तो मोशन को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं गति। जैसा कि हम शब्द बोलते हैं मोशन, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट या इमेज बन जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसी को हम लोग मोशन में समझने लग जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, या कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो मोशन मोशन में नहीं, उसे हम रेस्ट में कहने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? हम देखते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोशन और रेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो इसको देखने के लिए पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मोशन है क्या। देखिए, मोशन का मतलब है गति, और मोशन का अपोजिट वर्ड है रेस्ट, मतलब रुका हुआ। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है वो रेस्ट में होगी, जो रेस्ट में नहीं है वो मोशन में होगी, वो गति कर रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। मोशन हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल में बात करें तो हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर सकते हैं। एटम्स अपनी एक जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, वो भी एक तरह का मोशन है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के अंदर घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये भी एक प्रकार का मोशन है। मैक्रोस्कोपिक लेवल में बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, तो ये भी एक तरह का मोशन है। तो मोशन और नॉर्मल मोशन में देखें तो नॉर्मल लाइफ में अपना क्या देखते हैं कि जितने भी व्हीकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। तो जब कभी भी हम मोशन का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये चीज आती है कि व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कि यही मोशन है। दूसरी चीज देखते हैं कि पंखा चल रहा है तो हम समझते हैं मोशन में है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम मोशन का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या ये मोशन है, इस चीज को अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन है क्या। उससे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम मोशन और रेस्ट को समझेंगे। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम होता है या कोई पॉइंट होता है जहां से ऑब्जेक्ट या सोर्स किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को देखता है, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज करो आपने देखा हो कि कोई ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं और एक पर्सन जो है बाहर खड़ा हुआ है। अब ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जो है ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मैंने पूछा आपसे कि बताओ ये पर्सन रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप कहोगे कि ये पर्सन मोशन में है। क्यों? क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो पर्सन भी मूव कर रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि आपने सही कहा। लेकिन मैं कहूं कि अगर ये पर्सन रेस्ट में है और मैं आपसे कहूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पर्सन रेस्ट में भी हो मोशन में भी हो, और आपकी भी बात सही है और मेरी भी बात सही है। जी हाँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये पर्सन रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? सारा का सारा खेल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, आप कहां से इसे देखना चाह रहे हैं। तो सारी की सारी चीज इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपने उसे देखा कहां से है। हम दोबारा से देखते हैं इसी एग्जांपल को और तब देखते हैं कि समझ में आता है या नहीं। देखिए, ये ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं और जो थर्ड पर्सन है वो बाहर है। जब मैंने इसको बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, यानी कि जब मेरा रेफरेंस पॉइंट ट्रेन के बाहर था, तब ये वाला पर्सन ए मेरे लिए मोशन में था। क्यों?
क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब मैंने इसको बाहर से देखा ए वाले पर्सन को, तब मेरे लिए मोशन में था, क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब मैंने ए पर्सन को ट्रेन के अंदर बैठे हुए यहां से देखा, सपोज करो ये बी वाला पर्सन मैं हूं, अब मैंने यहां से ए को देखा है, तब मेरे लिए ए वाला जो पर्सन है वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये मेरी अकॉर्डिंग जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसकी भी स्पीड वही है, मेरी भी स्पीड वही है, हम दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, हम दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों पर्सन जो है एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, वहां से देखने पर हमको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव वर्ड हैं, हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सारा का सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का है, रेफरेंस पॉइंट जब तक नहीं दिया जा सकता तब तक हम कुछ भी कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर कोई आपसे पूछे, सपोज करो कि ये प्लेनेट है ए, ये मूव कर रहा है सन के अराउंड, ओके, अब मुझसे किसी ने पूछा कि ये प्लेनेट जो है रेस्ट में है या मोशन में है, और जिसने पूछा उसने मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया, रेफरेंस पॉइंट नॉट गिवन, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? इसका आंसर आंख बंद करके आप कुछ भी लगा दो, मोशन लगा दो या रेस्ट लगा दो, आंसर में कोई कमी नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। हाँ, अब आपसे पूछा जाए एक्सप्लेनेशन दो अपने आंसर का, कि ये जो प्लेनेट है ये रेस्ट में कब होगा, प्लेनेट जो है ए वाला रेस्ट में कब होगा, ए प्लेनेट रेस्ट में जब होगा जब हम प्लेनेट ए को किसी दूसरे प्लेनेट से देखें और वो जो दूसरा प्लेनेट है उसकी भी वेलोसिटी वही हो जो प्लेनेट ए की है, तो प्लेनेट ए और प्लेनेट बी दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। ठीक है, ये वाला जो हमने क्या है कि सेटिस्फाइड कर दिया। अब हम कहें कि प्लेनेट ए मोशन में कब होगा, प्लेनेट ए मोशन में जब होगा जब हम इसको कहीं किसी भी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखें और उस रेफरेंस पॉइंट की कंडीशन क्या आनी चाहिए कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ए के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ए के बराबर हो जाएगी तो ये वाला प्लेनेट फिर हमारे लिए रेस्ट में हो जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारे लिए मोशन में है, और ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये हमारे लिए रेस्ट में है। अब देखते हैं मोशन की डेफिनेशन के बारे में, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे। तो मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर कोई बॉडी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में चेंज आता है, उसकी प्लेस में चेंज आता है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में। कैसे? कि सपोज करो कोई बॉडी है ए, वो यहाँ पे रखी हुई है और कुछ देर बाद बॉडी जो है यहाँ पे चली गई एट पोजीशन बी, तो हम कहेंगे कि ए बॉडी बी बॉडी तक चली गई। इसका मतलब क्या था कि ए बॉडी ने बी बॉडी तक जाने के लिए मोशन किया हो तभी वो गई है, तो इसलिए ए जो है बॉडी किस में है, मोशन में है। ठीक है, अब इसके अपोजिट हम बात करें रेस्ट की डेफिनेशन की, सेम अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस, इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस नहीं ला रही है तो बॉडी रेस्ट में कहलाई जाएगी। हम ऊपर वाली का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी बॉडी थी ए यहां पे रखी हुई, हमने इंतजार किया 5 मिनट हुए 10-15 मिनट निकल गए, लेकिन वो बॉडी अब भी वहीं पे है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी ने मोशन नहीं किया है, वो बॉडी रेस्ट में है।
टाइम इंक्रीज कर रहा है हमारा, टाइम बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारी जो मोशन उसमें बिल्कुल भी हुआ नहीं, पोजिशन उसकी चेंज हुई नहीं, इनिशियल पोजिशन पर ही है वो, तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इनिशियल और फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन वो होती है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियल पोजिशन। फाइनल पोजिशन वो होती है जहां पे हम पहुंच जाते हैं, जहां पे हम टर्मिनेट करते हैं या एंड करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनल पोजिशन। तो ये थी ऑफिशियल डेफिनेशन है इन दोनों की। अगर लिखने को आ जाए कि मोशन और रेस्ट की क्या डेफिनेशन है, तो ये मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन थी। बाकी मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। सपोज करो ये पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है विद वेलोसिटी जीरो। अभी हम आगे देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। चलो मैं इसको स्पीड कह देता हूँ, वेलोसिटी नया टर्म है, कि इसकी स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो होने का मतलब क्या है कि वो रुका हुआ है। ओके, अब किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज इसका नाम हम राम दे देते हैं, कि राम मोशन में है या रेस्ट में है। तो सीधा सा मैंने बताया था कि जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया जाए किसी पे भी टिक कर दो आंसर सही, ठीक है। किसी ने कहा कि राम मोशन में है, चलो ठीक है उसकी भी बात सही। किसी ने कहा कि राम रेस्ट में है, चलो सही है उसकी भी बात सही। अगर किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है तो वो इस वाले बात का जवाब दे देगा कि राम मोशन में क्यों है। लेकिन जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही नहीं पता वो कहेगा कि राम रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड जीरो है रुका हुआ है, तो हमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा कि राम मोशन कर रहा है। और जिसने आंसर दिया है कि मोशन में भी है उसकी भी बात सही है, तो बात मोशन में भी है, तो हम देखते हैं कि राम मोशन में कब होगा, इस चीज को दोबारा देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि मैं एक ट्रेन में बैठा हूं और ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, मैं अंदर बैठा हूं तो मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा कि राम इस तरफ जा रहा है विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मुझे लगेगा कि राम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ट्रेन हो जाती है तो ये जो राम है जो जिसकी स्पीड जीरो है एक्चुअल में, वो मुझे लगेगा कि राम बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और इस वजह से राम मेरे लिए किसमें हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट, ये है इसके पीछे का मेन कंसेप्ट कि मोशन और रेस्ट क्या है। मोशन और रेस्ट ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते आए थे। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट के पीछे का जो मीनिंग है वो क्या है। अब देखते हैं आगे, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि दोनों में अंतर है क्या, तो देख लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तीन पर्सन हैं हमारे पास, पी Q एंड R, ठीक है। ये रास्ता P ने तय किया, ओके। ये Q गया है इस रास्ते के साथ, ठीक है। और ये R गया है इस रास्ते के साथ। तो आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि A से B तक सपोज करते हैं 10 मीटर की दूरी है। ए से बी तक जाने में जो पी था उसने सबसे छोटा रास्ता अपनाया है, ठीक है। क्यू ने उससे थोड़ा सा बड़ा रास्ता अपनाया है और आर ने सबसे बड़ा रास्ता अपनाया है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि टोटल कितनी दूरी चली उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। मैंने टोटल कितना पाथ कवर किया उसी को मैं क्या कहूंगा, उसी को मैं कहूंगा डिस्टेंस, ठीक है। चलो मैं कह देता हूं Q चला है 15 मीटर और R चला है 25 मीटर, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि चलो P की डिस्टेंस बताओ, P ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो P ने तो सबसे छोटा वाला रास्ता तय किया, तो P ने तो 10 मीटर ही चला होगा, तो P के लिए है 10 मीटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि Q ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, Q ने कितना चला, Q चला है 15 मीटर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगली बात करते हैं R, R ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो R ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर।
तो डिस्टेंस है कि टोटल कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की है, कि टोटल कितना पाथ में चला हूं, एक्चुअल में कितना मैं चला, इसे कहते हैं डिस्टेंस। सिंपल मीनिंग ये था। इसका एक दूसरा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल लंबाई। वास्तव में जैसे कि यहां से यहां तक मैं चला, ये था डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि यही पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी को मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, ठीक। अब मुझसे पूछा जाए कि पी के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो पी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर, ओके चलो ठीक है। मुझसे पूछा जाए कि क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर क्यू को शॉर्टेस्ट पाथ अपना चुनना पड़े तो कौन सा वाला पाथ चूज करेगा, यही वाला तो चूज करेगा, या आर वाला चूज करेगा, नहीं बी वाला चूज करेगा। तो क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा। अब आर के लिए कितना होगा, 10 मीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और वास्तव में जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है, वास्तव में जो हमने पाथ ट्रेवल किया है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। अब इनमें कुछ और डिफरेंस होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसको हम देख लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्टेंस और इस तरफ हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस में देखा जाए तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ, ओके। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, हाँ डिस्टेंस कब जीरो होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तो जीरो होगा ही होगा भाई, तब तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं की तब तो जीरो है। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव मोशन में है और तब हमसे पूछा जाएगा क्या ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो जीरो होगी, नहीं होगी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। दूसरी बात की क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आइए देखते हैं, सपोज करो ये एक सर्कल है, मैंने अपनी जर्नी को ए से स्टार्ट किया, मुझको इसकी रेडियस दे दी है 22 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस निकालो, सॉरी डिस्टेंस निकालो कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, डिस्टेंस और मैंने क्या किया कि मैं ए से स्टार्ट होके ऐसे चला और वापस दोबारा से ए पे आ गया, तो मैंने कितना रास्ता ट्रेवल किया, जितनी इस सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी उतना ही तो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर्कमफेरेंस होती है 2πr, ओके। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r मुझे दिया हुआ है 22, दिस इज द डिस्टेंस। चलो r को हम कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ओके। यहां पे मैंने 14 किया, 2 times चला गया 24, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। तो इसमें मेरी जो डिस्टेंस निकल के आई है वो आई 88 सेंटीमीटर, ओके चलो ठीक है। तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है, हाँ अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है इस वाले केस। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है
वही डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए इनिशियल वाला पॉइंट क्या था, ए था, फाइनल पॉइंट क्या है, ए है, कितना हो जीरो, ये माइनस नहीं है, ए से ही स्टार्ट किया और मैं ए पर ही आके रुका तो कितनी दूरी बची, भाई मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे आ गया। मान लो कि जिसे मैंने कहा कोई एक इंसान था, वो जब उसने देखा तो तब मैं ए पे था, वो 10-15 मिनट के लिए मान लो घूमने चला गया, उतनी देर में मैंने क्या कि अपना राउंड लगाया और मैं फिर से ए पे आ गया, फिर वो आया फिर उसने देखा कि मैं फिर से ए पे हूं, तो उसने मुझसे क्या कहा कि तूने तो राउंड लगाया ही नहीं, तू तो ए पे ही है, पहले भी ए पे था अब भी ए पे, लेकिन तुमने तो वास्तव में राउंड लगाया था, तुमने जो वास्तव में दूरी चली, जो पाथ तुमने वास्तव में ट्रेवल किया वो क्या था, वो था डिस्टेंस। लेकिन नेट जो निकल के आया, नेट रिजल्टेंट देखे आपका, तो आप पहले भी ए पे थे अब भी ए पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। ठीक है, कुछ और डिफरेंस की बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ओके, अब देखते हैं कि क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ऐसा कोई केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो, ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है। अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, सपोज करो एक बॉडी ए से स्टार्ट होके बी तक गई और ये जो डिस्टेंस है दिस इज सपोज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, तो मुझसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस में कितना कहूंगा 100 सेंटीमीटर। अब पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर मान लो मुझसे पूछा कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है मुझे, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, अगर ये वाला पाथ ट्रेवल खींचू मैं तो ये वाला भी इससे बड़ा है, ये वाला खींचू ये वाला भी इससे बड़ा है, ये वाला खींचू ये वाला इससे तो छोटा है लेकिन इस स्ट्रेट लाइन से बड़ा है, ये वाला इससे तो छोटा है लेकिन स्ट्रेट लाइन से बड़ा है। तो क्या हम देख, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन वाली जो मोशन है, मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे होगा, उस वाले मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्यों, क्योंकि उसमें शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा जो एक्चुअल में मेरी डिस्टेंस है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। किस वाले केस में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले केस में ये होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसमें बराबर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से नेगेटिव कौन सा हो सकता है। अब माइंड में कंफ्यूजन होता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से नेगेटिव कैसे होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही नंबर होते हैं भाई, डिस्टेंस भी सपोज करो मैं लिखूंगा तो 55 सेंटीमीटर लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट भी लिखूंगा तो 70 सेंटीमीटर लिखूंगा, है तो नंबर ही, तो अब ये नंबर नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लिया। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे भी नेगेटिव आए तो नेगेटिव का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन को हम स्टार्टिंग में लेके चले थे आंसर हमारा उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में आ रहा है, ये कहना है इस नेगेटिव वाले साइन का। एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि यह नेगेटिव वाला साइन क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर है क्या, इसको साथ साथ लिखते चलिए। देखिए ओके, ए बी, मैंने अपनी जर्नी को ए से स्टार्ट किया, मैं ए से गया बी तक जो कि है 20 मीटर की डिस्टेंस, फिर मैंने क्या कहा कि मैं ए से बी तक गया, बी से वापस ए पे आया और फिर इस तरफ सी पे पहुंचा जो कि है 10 मीटर की दूरी पे ए से। ओके, तो इस वाले केस में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की कितने कितने होंगे। ओके, तो पहले मैं देख लेता हूं, मैं गया था ए से गया बी, बी से फिर गया ए और ए से फिर गया सी, ये है मेरा पाथ जो मैंने फॉलो किया। ओके,
अब देखते हैं ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया ए से बी तक, 20, फिर बी से ई तक, अब ए से बी तक 20 है तो बी से ई तक भी 20 होगा, वंस अगेन 20, फिर मैं चला ए से सी तक, दैट इज 10, 20 + 20 + 10 कितना हो गया 50, तो ये तो हो गया मेरा क्या डिस्टेंस, कितनी 50 मीटर, ये क्या होगी मेरी डिस्टेंस होगी कितनी 50 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट पता है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा वाला रास्ता, किसके बीच में, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से स्टार्ट किया है जहां पे हम खत्म कर रहे हैं उसके बीच की सबसे छोटी वाली दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए हमने ए से स्टार्ट किया था और हमने सी पे खत्म किया है, अब हमको कोई लेना देना नहीं है कि हम बी तक गए या ऐसे घूम के गए, कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी है उसी को लेना। तो ए से सी तक के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर सर, तो हमने लिख दिया कि इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 10 मीटर, लेकिन हम क्या है कि इसके आगे माइनस का साइन लगा रहे हैं। अब माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं, देखिए हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था यहां से और हम इस तरफ गए थे, हम किस तरफ गए थे, हम गए थे इस तरफ, लेकिन हमने जो देखा है हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आया, इस तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आया है, जिस तरफ हमने स्टार्ट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट को -10 से रिप्रेजेंट किया है कि जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओ कितना 10 मीटर तो तुम अपने फाइनल वाली पोजिशन में पहुंच जाओगे। तो यह था डिस्प्लेसमेंट कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो यह था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मोशन का ही टाइप है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है कि अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब देखिए ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है यूनिफॉर्म मोशन की, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई बॉडी है, सपोज करो कि ये बॉडी ए को जाना है बी तक, ए बॉडी को बी तक जाना है, बीच में ये स्टेशन हैं पी क्यू एंड आर, अब ए ने बी तक जो रास्ता ट्रेवल किया उसमें उसको लगे 5 सेकेंड, पी से क्यू जाने में भी उसको टाइम लगा 5 सेकेंड, क्यू से आर जाने में भी उसको टाइम लगा 5 सेकेंड का, और आर से बी तक जाने में भी उसको टाइम लगा है 5 सेकेंड। अब ए से पी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सपोज करो 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर अगेन, दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना ही यूनिफॉर्म मोशन है, मींस स्टार्टिंग के जो 5 सेकेंड्स हैं उसमें बॉडी ने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में भी बॉडी ने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर की, और नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर की, तो यही है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वही हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। दैनिक जीवन में डेली लाइफ में हम जितने भी एग्जांपल्स देखते हैं मोस्टली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के होते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं वो देखते हैं व्हीकल्स का, व्हीकल्स में क्या होते हैं, ब्रेक्स होती है हमारे पास और एक्सीलरेटर होता है, ठीक, ये क्या करते हैं ये स्पीड को कम करते हैं और एक्सीलरेटर स्पीड को बढ़ाता है,
इन दोनों फैक्टर की वजह से यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाता, यानी ब्रेक्स और एक्सेलरेटर। ये दोनों फैक्टर क्या है? ये दोनों फैक्टर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सपोर्ट करते हैं, कि इन दोनों फैक्टर्स की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हमने यूनिफॉर्म क्या कहा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। सपोज करो 10 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकंड में 10 मीटर। तो ये तो ये क्या था? यूनिफॉर्म था। अगर डेफिनेशन लिखनी हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या करेंगे? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ भी कर लो, मतलब इन दोनों में से एक जो है, या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो टाइम इक्वल हो, या टाइम इक्वल हो डिस्टेंस अनइक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो या टाइम अनइक्वल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज अनइक्वल होनी चाहिए, तो हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए सपोज करते हैं कि बस है, ओके, अब बस इज मूविंग, यहां से यहां तक बस गई। सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी 20 मीटर और बस को टाइम लगा 4 सेकंड का। जैसे ही बस इस पॉइंट पे पहुंची, उसने देखा कि आगे जो है ब्रेकर है, ठीक है, अब ब्रेकर है आगे, तो बस क्या करेगी? ब्रेक्स अप्लाई करेगी। अब ब्रेक्स अप्लाई किया तो यानी कि उसकी स्पीड कम हो गई होगी, स्पीड कम हो गई होगी तो टाइम तो अपने उस हिसाब से चलता रहेगा, तो यहां पर 4 सेकंड हो जाएंगी। लेकिन क्या इन 4 सेकंड में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया? जी नहीं, डिस्टेंस सपोज करो उसने यहाँ पे 10 मीटर की, ठीक है, तो टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं और क्या होगा, कि उसने देखा कि थोड़ी दूर चलने के बाद कि पूरा रोड खाली का खाली है। बस ड्राइवर ने क्या किया कि एक्सेलरेटर दबा दिया। अब एक्सेलरेटर दबा दिया तो टाइम तो उसी हिसाब से चल रहा है, तो एक्सेलरेटर दबा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये होता है। यानी कि देखो टाइम पहले 4 सेकंड था, बस ने डिस्टेंस ट्रेवल की थी 20 मीटर, नेक्स्ट 4 सेकंड में ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए तो डिस्टेंस कम होगी 10 मीटर। नेक्स्ट 4 सेकंड के टाइम में क्या गया कि जो ड्राइवर था उसने एक्सेलरेटर दबा दिया तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर ली, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई थी, तो इस वजह से डिस्टेंस ज्यादा। तो यह है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म ही होता है जो हम देखते हैं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर स्पीड और वेलोसिटी। जो रिलेशन या जो डिफरेंस डिस्टेंस और वेलोसिटी में थे, सेम वही रिलेशन या हम कहें डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। तो देखिए क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए गिवन टाइम। कि किसी भी दिए हुए समय में कितनी दूरी जो है ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है, उसी को हम स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह है हमारी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड, ओके। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी में हम डिस्टेंस की जगह पर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ, एक दिए हुए निश्चित काल में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब देखते हैं कि दोनों में रिलेशन और डिफरेंसेस क्या क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखते हैं दोनों में रिलेशन और डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दोनों के फॉर्मूले की बात करते हैं। स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से अराइज हुए। कैसे? कि जो डिस्टेंस था वो जीरो नहीं हो सकता था। जीरो होने के लिए क्या चीज थी? कि रेस्ट होना चाहिए, और रेस्ट का मतलब क्या है कि वो मोशन किया ही नहीं है उसने। जब मोशन ही नहीं किया तो हम स्पीड और डिस्टेंस की तो कुछ बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको हटा दें कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो उसी तरह से स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। स्पीड जीरो है उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? देखो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चलो दूसरा लेते हैं। ये है पॉइंट ए, सैग 10 मीटर। मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं गया बी, देन सी, बी, देन ए। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? स्क्वायर है। अब मुझे 10 मीटर का, एक साइड 10 मीटर किया तो स्क्वायर भी चारों साइड बराबर होती है, ए बी। तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? देखिए मैं गया हूं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ए से बी है 10, बी से सी है 10, सी से डी है 10 और डी से ए तक है 10। ये हो गया मेरा 40 मीटर, ठीक है। अब सपोज करो मुझे दे दिया कि इसमें जो मुझे टाइम लगा है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। कितना? 5 मिनट। कि मुझे ए से दोबारा वापस ए तक आने में 5 मिनट्स का टाइम लगा, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हो जाएगी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी मिली? 40। टाइम लगा मेरा 5 मिनट का, 40 मीटर, दैट इज 8 times 8 meters per minute। ओके, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर पर मिनट होगा, क्योंकि टाइम मिनट में दिया होगा, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी इस वाले केस में। तो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजिशन ए, फाइनल पोजिशन वो भी ए, तो कितना होगा डिस्टेंस? और डिस्प्लेसमेंट जो कितना होगा इस वाले केस में? जीरो। ए से ही स्टार्ट किया, ए पर ही खत्म है, हो गया, तो पाथ तो ट्रेवल किया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। अब टाइम कितना भी हो, जीरो अपॉन समथिंग दैट इज जीरो। तो इस वाले केस में वेलोसिटी क्या होगी मेरी? जीरो होगी। तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पहली बात तो। अब देखते हैं दूसरी बात की स्पीड नेगेटिव हो सकती है या नहीं, या फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है या नहीं। जैसे हमको पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, तो उसी तरह से वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। एक बार देख लेते हैं वेलोसिटी। ओके, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वही वाला कस लेते हैं, ए दैट इज इनिशियल पोजिशन, ठीक, बी, सी और देन डी, ठीक। हम ए से बी तक गए, डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम टेकन 2 सेकेंड। बी से सी तक गए,
डिस्टेंस 10 मीटर टाइम टेकन 4 सेकेंड ओके और ए से डी तक की डिस्टेंस भी 10 मीटर दे रखी है और टाइम टेकन जो है ये दे रखा है हमको 2 सेकेंड का ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग कहां से किया है ए से और एंड कहां पे किया है डी पे, डी मेरी फाइनल पोजीशन है। अब मुझसे पूछा है कि इसमें स्पीड बताओ इस वाले केस में, तो स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। और डिस्टेंस के लिए देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डायरेक्ट डी नहीं गया, सी से वापस बी आया ओके, बी से फिर वापस ए आया और ए से फिर मैं डी गया, ये थी मेरी डिस्टेंस और इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है 10 मीटर की है, 10, 20, 30, 40, 50 कितना हो गया ये हो गया 50 मीटर। अब मुझे देखो टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम देखना, देखने में 4, 2, 6, 2, 8 सेकंड एकदम गलत, टाइम कितना लगा दोबारा देखिए, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है 2 सेकंड तो यहां पे लगे 2 सेकंड, बी से सी तक जाने में कितना लगा है 4 सेकंड तो सी से बी तक आने में भी कितना लगा होगा 4 सेकंड ठीक है। नेक्स्ट बी से ए तक, बी से ए तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा था तो आने में भी 2 सेकंड का टाइम लगेगा, दैट इज 2 सेकंड। ए से डी तक ये तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 2 सेकंड, दैट इज 2 सेकंड। अब गिनिए टोटल कितना हो गया 2, 4, 6, 10 तो 12, 14 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 14 सेकंड का। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, दैट इज 50/40 दैट इज 25/7 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मेरी डिस्टेंस 25/7 मीटर पर सेकेंड ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस वाले केस में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वापस आया तो दूरी तो 10 मीटर की वापस भी तो चल के आया तो 50 कैसे 100 मीटर हो गई ना। नहीं नहीं सुनो, इधर से गया 2-10 मीटर ये ए था, ये डी है और ये था 10 ठीक है, ए से स्टार्ट किया उसने अच्छा, बी गया 10, सी गया 10, 20 फिर वापस आया 30 फिर वापस आया 40 और फिर 10, 50 ठीक है सर ठीक। अब देख लेते हैं वेलोसिटी कि वेलोसिटी क्या होगी इस वाले केस में, वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो इनिशियल ये था फाइनल डी था, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया 10 है। एक और बात जो हम भूल रहे हैं जो मैंने तुमको बताई थी कि क्या इसके आगे माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया था और हम इस वाले डायरेक्शन में गए थे लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस लगाना जरूरी है अपोजिट में, दैट इज माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही ओके। डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा -10 मीटर। अब बात आती है टाइम की, टाइम कितना होगा, ये वाला 2 सेकंड था। अब बच्चे क्या करते हैं कि ए से डी तक गया अपॉन टू गया -5 मीटर पर सेकंड कर दिया, एकदम गलत, टाइम तो वही रहेगा ना, टाइम तो उतना ही लिया इसने जितना डिस्प्लेस जितना डिस्टेंस में था, टाइम में उतनी कमी थोड़ी नहीं आई, तो टाइम मेरा कितना आया था डिस्टेंस वाले केस में, दैट इज 14 सेकंड, तो टाइम यहां पे भी 14 सेकंड ही लेना ही पड़ेगा ठीक है। एक बार और देख लेते हैं 14 सेकंड कैसे है, यहां से आते जाने में 2 सेकंड, यहां से आते जाने में 4 सेकंड, तो 2 ये 4 ये टोटल हो गए 6 सेकंड,
फिर वापस आने में ये 4 सेकंड, ठीक है, फिर यहां से ये आने के 2 सेकंड, फिर ये वाले 2 सेकंड, तो 10, 4, 14, तो ये 14 सेकंड होगा, और ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो -10/14 दैट इज -5/7 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमको पता चल गया कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, वही रिलेशन है दोनों में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रखते हैं आपसे। अब देखते हैं आगे कि वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है गुरु जी। जी बिल्कुल सही, अच्छा, डिस्टेंस और स्पीड एक जैसे हैं। हाँ, डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है स्पीड, और स्पीड की वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ी है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी की वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्प्लेसमेंट की पढ़ी है। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट में चले जाएं जी, तो वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी फिर, मतलब जी हम डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके तो उसको घटा देंगे। हाँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके अगर हम फाइनल पोजीशन को सपोज करो हमने ए से स्टार्ट किया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके हमारी फाइनल पोजीशन आ जाती है, तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। ठीक है सर, हाँ आगे चलते हैं। हाँ, इन दोनों की चीज देख लेंगे, जो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है। टाइम की तो आपको पता ही है, फंडामेंटल यूनिट्स में हम टाइम को सेकंड्स में लेते हैं, टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये था कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में ये जो सिस्टम होते हैं ये 11th क्लास में आते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि हम मीटर पर सेकंड ही यूज करेंगे ज्यादातर, बाकी जो होगा हम यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन क्या चीज है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन का। लास्ट टॉपिक है आज का एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में चेंज होना एक्सेलरेशन होता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखें दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल इसको कहते हैं, डेल इसका मतलब होता है चेंज, लिख देता हूं यहां पे दैट ए फॉर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा कि पहले मेरी क्या वेलोसिटी थी, सपोज करो शुरुआत में मेरी वेलोसिटी थी इनिशियल, बाद में मेरी वेलोसिटी होगी फाइनल। अब चेंज कैसे निकालेंगे, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में कितना टाइम लगा इस चेंज को होने में, तो ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक। यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, ये मेरा कहलाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने बताया था तुमको जब बस वाला एग्जांपल दिया था कि एक्सेलरेशन का होना और ब्रेक्स का होना नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वहां पे मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का काम है स्पीड को बढ़ाना। बेसिकली अब हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ चुके हैं, तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन का काम स्पीड को बढ़ाना, हाँ अगर हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन का काम स्पीड को बढ़ाना है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना। अब दूसरा टर्म होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन,
जिसे हम रिट्रार्डेशन कहते हैं। एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसी को हम रिट्रार्डेशन कहते हैं, ठीक है। इसका काम है वेलोसिटी को घटाना, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सीलरेशन को और अच्छे से, कि एक्सीलरेशन है क्या। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है और इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ए फॉर एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, ये है एक्सेलरेशन, ठीक। सपोज करो कि जो वी इनिशियल था, मेरी जो ऑब्जेक्ट थी वो पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। After 2 seconds या after 5 seconds जो उसकी final velocity हुई वो 20 meter per second हो गई। तो ऐसे है और गुरुजी मोटरसाइकिल की रेस बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही बात है। एक्सेलरेशन का मतलब ही वो होता है कि वेलोसिटी को बढ़ाए। एक्सीलरेटर ही बात है। हाँ वही कहते हैं, मैंने पहले बताया था कि एक्सेलरेटर और ब्रेक दो चीज थी, और ब्रेक क्या कर रही थी, स्पीड को घटा रही थी, और एक्सेलेरेटर क्या कर रहा था, स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। और ये दोनों फैक्टर किसके लिए थे, मेरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहां होता है, जहां पे ये दोनों फैक्टर आ जाए, स्पीड ब्रेक जो स्पीड को घटाती है, और एक्सेलेरेटर बढ़ने के बाद हो गई वेलोसिटी फाइनल। हाँ अच्छा, शुरुआत में मेरी जो थी उसे इनिशियल कहेंगे, और जो चेंज होने के बाद जो है उसे फाइनल कहेंगे। अब इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, कि इस चेंज को होने में जितना टाइम लगा है वो ये वाला टाइम है, और चेंज होने के बाद जो मेरी वेलोसिटी बनी वो वी फाइनल है, और जो चेंज होने से पहले थी वो मेरी वी इनिशियल है। तो वी फाइनल कितनी है, दैट इज 20, वी आई यहां पर माइनस का साइन आएगा, इनिशियल कितनी है 10, और अपॉन में टोटल टाइम 5, That is 20 minus 10 by 5, ये आ गया 2। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जाता है यूनिट्स के ऊपर, ना कोई डिस्टेंस की पूछता है, ना डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, किसी की यूनिट्स नहीं पूछी जाती, एक्सीलरेशन की यूनिट्स पूछी जाती है। अब देखिए क्यों, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी अपॉन टाइम। डेल्टा वी जो वैल्यू मिली है मुझे, ये 10, ये भी तो एक वेलोसिटी ही है, भले ही वो वेलोसिटियों का चेंज हो लेकिन है तो वेलोसिटी ही, और अपॉन में क्या है टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। नीचे क्या है टाइम, और टाइम किस में है, वो भी सेकेंड में है अपॉन में, यानी कि अपॉन में मेरे पास कितने हो गए, 2 सेकेंड हो गए, दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सर जी इसमें हम दोबारा से ब्रेक लगा दें, बिल्कुल 20 पे चल रही है, दोबारा से हम इसको ले आए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, लिखते हैं। तो उस वाले केस में आप कह रहे हो कि 20 मीटर पर सेकेंड से हम इसको 5 मीटर पर सेकेंड में ले आए, ठीक है। तो अगर जब हम इस वाले केस को लेंगे तो तब ये हमारे लिए वी आई हो जाएगा, और ये हमारे लिए फिर वी एफ हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी कुछ टाइम लगा होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहां तक आने में इसको 3 सेकंड लगा, और इसने ये आया कैसे होगा, जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए होंगे। तो अब हमसे पूछा जाए कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, तो देखिए इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, सीधे फॉर्मूला पे अटैक करते हैं, घटने वाला रिटार्डेशन जी कह सकते हैं उसको तो। हाँ वही है ये, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक। अब वी फाइनल कितना है यहाँ पे देखिए 5, ठीक है, माइनस, अब ये हमारा इनिशियल बन चुका है। अब हम इस वाले केस से हमको कोई लेना देना नहीं, इस वाले केस को हम भूल जाते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने चेंज इन दोनों के बीच में देखना है, तो इसलिए इसको हम वी आई कहेंगे, और इसलिए इसको वी एफ कहेंगे। तो 5 वी फाइनल हो गया, इनिशियल कितना था 20, अपॉन में टाइम कितना लगाया हमने 3, तो 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15 अपॉन में 3, ये आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहां पे ये माइनस है, ये माइनस साइन अगेन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि माइनस को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्शन जो हमारी वेलोसिटी है वो माइनस में चला जाए। पहले बताया था वेलोसिटी माइनस में नहीं जाएगी। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस वाले केस में मेरी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो इस तरफ जा रही होगी किसी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी इस तरफ। और जब मैंने ब्रेक लगाए इसको रोकने के लिए तो ब्रेक मुझे फोर्स लगा, ब्रेक जो क्या करती है फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है वो चीज, ये चीज दर्शा रही है जो माइनस का साइन है वो चीज यही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेलरेशन और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।